नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश मैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस पांचल सर के यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए, गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे सर्किल, सर्किल में हमने कुछ बातें थी जो बेसिक जानकारी थी, हमने दो दिन पहले की थी, ठीक है। और फिर हमने उसके बारे में पढ़ा था स्पर्श रेखाएं क्या होती है और स्पर्श रेखाओं के बारे में हमारे पास कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे किस टाइप से हमारे पास वर्थ वेरी करता है, किस टाइप से हमारे पास वर्थ त्रिज्या पे होता है, कौन सा हमारे पास कोई बिंदु वर्थ के अंदर हो, कोई परिधि पे हो, या फिर वर्थ हमारे पास कहाँ पे हो, उसके स्पर्श कर रहा हो या फिर उसके बिंदु हमारे पास बाहर हो, इस टाइप से अलग अलग टाइप के हमने वर्थ की जो कंडीशंस थी तो उसकी भाषाएं थी उसको हमने देखा था और हमने स्पर्श रेखाओं के बारे में डिस्कशन किया था। जैसे हमारे पास आ गया, देख हमारे पास स्पर्श रेखा आ रही थी कौन सी, जब हमारे पास कहाँ पे हो, जब बिंदु वर्थ के अंदर हो तो हमारे पास स्पर्श रेखा कितनी होती है, जीरो होती है। जब बिंदु परिधि पर हो तो हमारे पास स्पर्श रेखा कितनी होती है, एक होती है। यदि बिंदु हमारे पास बाहर आ जाए तो हमारे पास स्पर्श रेखा कितनी आएगी, दो आएगी। इसी के साथ हमने आगे बढ़े थे, जब हमारे पास वर्थ से वर्थ पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो दो वर्थों को क्या करती हो, स्पर्श करती हो। जैसे हमारे पास यदि वर्थ दूसरे वर्थ के अंदर हो, एक वर्थ दूसरे वर्थ के अंदर होता है तो उसे क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वर्थ। ओके, जैसे सकेंद्रीय वर्थ होता है तो हमारे पास उसमें कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, देखिए इसमें जैसे जैसे वर्थ हो गया, दूसरा सेकेंडरी वर्थ हो गया, मतलब जिनका सेंटर क्या हो, सेंटर जिनका एक ही हो, जिनका क्या हो, केंद्र एक ही हो, उनको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी वर्थ। तो उनके हमारे पास स्पर्श रेखा कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यदि यही वर्थ हमारे पास इसको कहाँ पे टच करे, परिधि पे टच कर ले तो स्पर्श रेखा कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। ओके, फिर जैसे ये वर्थ क्या करे, थोड़ा सा बाहर निकल जाए इसके, जैसे बाहर निकलते निकलते कहाँ पे आ गए, इसको क्रॉस कर जाए, इस टाइप से क्रॉस कर जाए तो इसको क्रॉस करते हमारे पास स्पर्श रेखा की संख्या कितनी आ गई, दो आ गई थी, जो इस टाइप से इसको क्या करेगी, टच करते हुए जाएगी। ओके, अब जैसे थोड़ा सा हम आगे बढ़े, ये वर्थ क्या करेगा, इसको स्पर्श करेगा ओनली फॉर, जैसे इसको स्पर्श करे कहाँ से, बाहर से, सिर्फ स्पर्श करे, प्रतिच्छेद ना करे, तो हमारे पास कितनी स्पर्श रेखाएं आती है, तीन। एक तो यहाँ से आ जाएगी दोनों से, और दूसरी कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, और तीसरी यहाँ से आ जाएगी। ओके, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे, फिर हमने देखा कि स्पर्श रेखाएं और कौन कौन सी हो सकती है। यदि वर्थ हमारे पास कहाँ पे हो, कुछ दूरी पे हो, डी दूरी पे हो, तो डी दूरी पे हो तो हमारे पास कितनी आ जाती है स्पर्श रेखाएं, जैसे ये हमारे पास वर्थ हो गया, ये हमारे पास कितनी दूरी पे हो गई, डी दूरी पे हो गई, तो यहाँ से स्पर्श रेखा कितनी आ गई, चार आ गई थी हमारे पास, कितनी आ गई थी, फोर। इस टाइप से हमने वर्थ की स्पर्श रेखाओं को डिस्कस किया था, ठीक है जी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, स्पर्श रेखाएं मैंने बात की थी कि मिनिमम कितनी हो सकती है हमारे पास, न्यूनतम कितनी हो सकती है, न्यूनतम हो सकती है हमारे पास जीरो, और अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम हो सकती है हमारे पास चार। देखो ये दिखाई दे रही है आपको, वन टू थ्री और फोर, कितनी हो सकती है, अधिकतम चार, ठीक है जी। अब देखिए आगे, कल हम चर्चा कर रहे थे एंगल्स के बारे में, कोई स्पेशल हमने क्वेश्चन भी दिया था आपको, जो आपने पढ़ा होगा, किया था किसने, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं अभी हम। देखिए क्वेश्चन का क्या था हमारे पास, ये क्वेश्चन था, दी गई आकृति में थीटा का मान होगा, थीटा मतलब थीटा कौन सा दे रखा है, अच्छा अच्छा ये क्रॉसिंग वाला दे रखा थीटा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल दे रखा था, ये इसकी क्या थी, जीवा थी ए बी, और ये क्या था, इसका सी पॉइंट था, और इसको आप कुछ भी मान लो, ओ मान लो, और ये क्या मान लो, आप पी मान लो, ठीक है। ये आ गया ई और एफ, हमको पूछा कौन सा थीटा, थीटा कहाँ बन रहा है हमारे पास, ओ पे बन रहा है, ओ हमारे पास एक केंद्र नहीं है, इनका क्या क्रॉसिंग बिंदु है, इसका ए और एफ का और बी और ई का, ये क्रॉसिंग बिंदु है, तो हमको क्या करना है, इसमें थीटा ज्ञात करना है। ओके, हम देख थ्योरम पढ़ी थी कल, जो हमारे पास यहाँ पे क्या था, टू अल्फा, क्यों पढ़ा था ना हमने, यहाँ पे क्या था, टू अल्फा, टू अल्फा किसका होता है, देखो कौन सी और कौन इनका क्रॉसिंग वाले का, इन दोनों का क्या होता है, योग होता है, क्या होता है इसका, ये वाला कौन और ये वाला कौन, दोनों को क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे, तो हमारे पास कौन सा कौन प्राप्त होता है, ये वाला कौन प्राप्त होता है, कौन सा वाला, पी वाला। तो देखिए हमको ये पता है 20 प्लस थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। ओके, जैसे ये हो गया, अब थीटा का मान निकालना हमको, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 माइनस 20, जैसे ये 20 उधर जाएगा, 20 उधर जाएगा, तो कितना बन जाएगा, प्लस का था तो ये माइनस का बन जाएगा, थीटा बराबर कितना आ गया, 60 माइनस 20 कितना आ गया, 40, मतलब कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारे पास, 40 डिग्री, ये वाला सेकंड। आ गया सबका आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही है, देखिए
ये हमारे पास क्या था, इन दोनों का योग कितना आएगा, इसके बराबर आएगा कौन सा, जो हमारे पास ये क्या बन रहा हो, सेंटर पे बन रहा हो, कौन सा एंगल हो गया 2α। हमने कल बात की थी यहाँ पे थीटा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 2α, इस टाइप से हमने कल किया था ना। तो देखिए हमारे पास आ गया थीटा का वैल्यू, इसने ये ना पूछ के कौन सा पूछ लिया, बीच वाला पूछ लिया, लेकिन हमने हमारा प्रोसेस चेंज नहीं किया, हमने जो प्रोसेस था उसी को यूज किया, ये प्लस ये बराबर ये, तो थीटा प्लस 20 बराबर कितना आ गया 60, तो थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास 60 माइनस 20, तो थीटा बराबर कितना आ गया 40 डिग्री। ओके देखिए हो गया आपके बिल्कुल, इसको आपको जिसने नोट करना कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं इसके बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। अभी हमने पढ़ा था स्पर्शरेखाएं, अब देखिए स्पर्शरेखाओं की लंबाई कैसे निकालते हैं, उनकी लंबाई किस किस टाइप से हमारे पास मेजर होती है उनको देखते हैं कैसे। देखिए अब स्पर्शरेखा की लंबाई, स्पर्शरेखाओं की लंबाई, ओके स्पर्श रेखाओं की लंबाई, ओके कौन कौन सी हमारे पास स्पर्श रेखाएं होती है और उनकी कैसे कैसे हम लंबाई निकालते हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, इस टाइप से एक सर्किल था, एक ये सर्किल था हमारे पास, बार था ये, हमारे पास इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, ये हमारे पास O1 हो गया, इसका क्या हो गया O2 सेंटर हो गया ना। यदि इनके बीच की दूरी कितनी थी हमारे पास, d दूरी पे थी, कितनी दूरी पे थे हमारे पास, d दूरी पे थे। तो देखिए हमारे पास स्पर्शरेखा खींची थी हमने इसकी, सबसे पहली बात हम स्पर्शरेखा छोटी वाली की बात कर लेते हैं, जब क्या कर रही हो ये ऐसे स्पर्शरेखा खींची जा रही हो, ठीक है। जैसे स्पर्शरेखा ये खींची जाएगी, इसके हमने पास रेडियस कितनी थी, इसके आर थी, बड़े वाले की छोटे वाले की कितनी होगी स्मॉल आर, छोटे वाले कितनी होगी स्मॉल आर और बड़े वाले की कैपिटल आर, मतलब बड़ा आर और इसमें छोटे वाला आर। तो हमारे को ये ज्ञात करना है कौन सा, ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये ए बी हो गया हमारे पास, कहाँ से करेंगे स्पर्श बिंदु से, कहाँ से करेंगे हम स्पर्श बिंदु से दूरी होगी, तो हमारे पास दूरी आएगी ए बी, वो क्या है कहाँ से आएगी हमारे पास स्पर्श बिंदु से आएगी। तो देखिए आप इसमें ए बी हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी हो जाएगा हमारे पास रूट, क्या होगा रूट, ये हमारे पास जो डी दे रखा है इसका स्क्वायर कर दो आप, डी स्क्वायर माइनस ये जो हमारे पास रेडियस दे रखी है, जो हमारे पास त्रिज्या दे रखी है उनका अंतर, देखिए आर माइनस आर का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा देखो डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये हमने क्या कर दिया इसका अंतर। जैसे देखो आपको कंफ्यूजन होगा, अभी दो क्वेश्चन करेंगे हम, इसमें हमारे पास क्या देखो ये लाइन स्पर्शरेखा कैसी है, सीधी है, तो इसमें चिन्ह किसका आ रहा है माइनस का दिख रहा है हमारे को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, अभी जस्ट हम आगे बात करेंगे उसमें क्या आएगा प्लस आएगा, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे हमारे पास क्या करें स्पर्शरेखा की बात करें तो हमारे पास ये कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे माइनस वाली आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट, ये तो हमारे पास मैक्सिमम दूरी हो गई, कौन सी दूरी हो गई अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी बोल दो ना इसको, अधिकतम लंबाई, ओके अधिकतम लंबाई हो गई स्पर्शरेखा की, कौन कौन सी अधिकतम लंबाई होती है। अब हम जस्ट आगे चर्चा करें, क्या आ गया आपके, देखिए इसको ये हो गया हमारे पास, इसके सेंटर से कितनी दूरी होगी, देखो परिधि से त्रिज्या की दूरी कौन सी थी, परिधि से केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है हमारे पास रेडियस त्रिज्या, तो देखो ये हमारे पास आर होगी, और ये परिधि से केंद्र की दूरी है तो ये कितनी होगी स्मॉल आर होगी, दोनों का देखो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, और उसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे जो बीच की दूरी है उसमें से क्या कर देंगे स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा, ओके। अब जस्ट थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास और कैसे हो सकता है, एक तो ये हो गया आपके, अब देखिए नेक्स्ट, जैसे हमारे पास इस टाइप से क्रॉस कर जाएगी ये दो सर्किल है, ओके अब देखो हमारे पास इसकी रेडियस क्या थी, हमारे पास ये आर थी, इसकी कितनी थी, ये भी हमारे पास स्मॉल आर होगी, ओ टू हो गया, ये कितना हो गया O1 हो गया, इनके बीच की दूरी क्या हमारे पास डी दूरी है बीच की, इस बार में स्पर्शरेखा कहां से खींच रहे, सीधी नहीं खींच रहे, इनको ऐसे मिला रहे, इस टाइप से इसको मिलाते हुए खींच रहे, तो जो हमारे पास ये बिंदु आएगा
ए और बी, ए और बी हमारे पास क्या आ गया, बिंदु आ गया। देखो ये क्या कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, ये क्या हो गया, इसकी न्यूनतम दूरी हो जाएगी। कौन सी दूरी हो जाएगी, न्यूनतम दूरी। देखो कितनी होगी हमारे पास, ए से हमारे पास बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमारे को। तो देखिए यहां हमारे पास ए बी होता है रूट, ये जो हमारे पास दूरी दे रखी है कितनी दे रखी है दोनों के बीच की, डी दे रखी है, डी स्क्वायर माइनस, देखो डी हमारे पास पूरा है यहां से लगा के यहां तक, केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी है डी, है ना। देखो डी स्क्वायर माइनस, अब क्या आएगा, देखो आर प्लस आर, अब क्या क्या आ गया हमारे पास, प्लस आ गया और इसका स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है जी, देखिए जब हमारे पास क्रॉस करे तो हमारे पास देखो इसमें क्या लग रहा है, ऐसे साइन बन रहा है, मतलब ये प्लस का बन रहा है, तो ये हमारे पास ये कौन सा आ गया, यहाँ प्लस का आ गया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके नोट कर लीजिए इसको, आप इस टाइप से दूरी हो गई। अब एक तौर से दूरी और आती है, जब हमारे पास दोनों क्या हो, सर्किल दोनों को एक दूसरे को स्पर्श करें, तो हमारे पास उनकी स्पर्श रेखा की दूरी कितनी आएगी वो चेक कर लेते हैं। देखो देखिए इसको, ये आगे सर्किल, अब क्या दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो हमारे पास स्पर्श रेखा यहां से खींचो चाहे यहां से खींचो, दोनों से सेम आएगी। देखो हमारे पास ये पॉइंट है, इसकी हमने रेडियस मान ली आर, और इसकी कितनी हो गई, स्मॉल आर हो गई। अब क्या और बीच में दूरी नहीं है हमारे पास, जो भी हमारे पास रेडियस है और कुछ नहीं है इसका। तो देखिए अब यहां से हमारे पास इसको दूरी फाइंड आउट करना है हमारे को, ये जो बिंदु है स्पर्श बिंदु है, इसकी हमको क्या करनी है, दूरी फाइंड आउट करनी है। देखो ये जो स्पर्श बिंदु है हमारे पास, ये सेंटर हो गया इसका O1, तो O2 हो गया सेंटर, ये हमारे पास कितनी दूरी थी, रेडियस स्मॉल आर, इसकी कैपिटल आर। देखो हमारे पास ये जो बिंदु है स्पर्श बिंदु ए, और ये कितना आ गया बी, इनके बीच की दूरी हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ए और बी के बीच की दूरी फाइंड आउट करने का इसका एक फॉर्मूला है, देखिए क्या होता है हमारे पास, ये देखिए आप, ए बी हमारे पास यहां पे आएगा डायरेक्ट रूट, डायरेक्ट क्या जाएगा रूट, क्या डी स्क्वायर माइनस, देखो डी तो हमारे पास है नहीं, तो डी स्क्वायर तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, देखो ना हमारे पास आर उनका अंतर आएगा, क्योंकि अंतर हमारे पास जरूरत ही नहीं, कहां से, क्योंकि हमारे पास देखो यहां दोनों क्या है, यहां से डी होता तो हम अंतर निकालते, तो इसका देखो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आर इंटू आर, आर इंटू आर, कैपिटल आर गुणा स्मॉल आर, इन दोनों का क्या आ जाएगा, गुणनफल का रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी। ओके ये आपको फॉर्मूला जो डायरेक्ट आपको याद रखना है। ओके देखिए इसको आप, जब हमारे पास ऐसे दोनों स्पर्श कर रहे हो सर्किल वर्त, और उनके बीच की दूरी निकालनी, कौन सी स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, तो हमारे पास कैसे निकालते हैं, ए बी इसका टू कितना आ गया, रूट आर इंटू आर, इस टाइप से हमारे पास सर्किल में निकाल सकते हैं दूरी ए बी। बहुत हो गया, अब इसमें देखो क्वेश्चन करते हैं, एक दो किस किस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। चलो देखिए, देखो ये अपनी क्वेश्चन आ गया, इसको ट्राई कीजिए आप, दो वर्त एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर की दूरी पर है तथा उनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो उनके ऊपर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा की न्यूनतम अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। इसने क्या करे, वो हमारे को डी दूरी दे दी, क्या क्या दे दिया इसने हमारे को, डी दूरी दे रखी है, देखो इसने ये दे दी दूरी, दोनों बीच की दूरी दे दी। सेकेंड क्या क्या कहा इसने, देखो पहले वाले त्रिज्या इसने 5 दे दी, दूसरे वाले कितनी दे दी, 3 दे दी, तो उनके ऊपर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा की न्यूनतम और अधिकतम, देखो इसने दोनों पूछ लिया, न्यूनतम भी पूछ लिया और अधिकतम भी पूछ लिया। ठीक है, एग्जाम में हमारे पास एक चीज पूछेगा, या न्यूनतम पूछेगा या फिर अधिकतम पूछेगा, तो हमें से हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको, इसने हमारे क्या दे रखा है, डी दूरी दे रखी है, और हमारे पास क्या दे रखी है, त्रिज्याएं दे रखी है। तो इसको देखो, हमारे पास फॉर्मूला अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया था, कौन सा फॉर्मूला था, अधिकतम और न्यूनतम दूरी का हमारे पास कौन सा होता है। तो देखिए ए बी हमारे पास फाइंड आउट करते हैं, कहा देखो ये दो सर्किल है एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पे, देखो कितनी दूरी पे, एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पे। ओके ठीक है जी, 10 मीटर की दूरी पे, 10 सेंटीमीटर, और हमारे पास इनकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी हमको, कौन सी,
स्पर्श रेखा के बीच की दूरी। ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ए और ये ए बी का मान क्या था, और इसके साथ ही हमारे को क्या करना है, ये वाला, और कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ये वाला, ये छोटा वाला आर हो गया, कैपिटल आर, और ये कौन सा आ गया, स्मॉल आर, ठीक है। देखो इस टाइप से क्या हो जाएगा हमारे, और हमको कौन सा ज्ञात करना है, ये वाला, ये डी दे रखा है, और ये हमारे पास ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी, ये हमको दोनों ज्ञात करना है, ठीक है जी। देखिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं, ये हो गया हमारे पास, इसने डी कितना दे रखा हमको, 10 दे रखा है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5, और ये कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास ए बी का मान ज्ञात करना, हमारे पास पहले वाले में ज्ञात कर रहे हैं हम, पहले वाले में ए बी का मान ज्ञात कर रहे हैं हम, ए बी बराबर हमारे पास क्या होता है, रूट, न्यूनतम के लिए क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर, न्यूनतम हमारे पास ये कौन सी आ जाएगी, ये न्यूनतम, देखो जिसमें हमारे पास यहाँ क्या आ रहा, प्लस आ रहा, वो कौन सी दूरी हो जाएगी, न्यूनतम दूरी, तो डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर, तो डी कितना हमारे पास, 10, 10 का स्क्वायर माइनस आर प्लस आर, आर कितना हमारे पास, कैपिटल आर 5 है, और छोटे वाला कितना है, 3 का स्क्वायर, 5 प्लस 3 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 का स्क्वायर, तो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, सो माइनस 5 प्लस 3, 8 का स्क्वायर, देखिए 100 हो गया, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, कितना हो जाएगा, ये देखिए आप 100 में से कितना गया, 64, 64 चला गया, कितना बचेगा हमारे पास, 100 में से 64 चला गया, कितना बचेगा, 36, कितना आ जाएगा, 36 किसका रूट होता है, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6, कितना आ जाएगा, 6, देखो हमारे पास 6 तो आ गया, ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास कौन से ऑप्शन नहीं कटा, दो ऑप्शन तो कट गए, लेकिन ये दोनों अभी ऑप्शन हमारे पास क्या है, हो रहे हैं, मैच खा रहे हैं, देखो इनको कैसे सरल करें, हमने न्यूनतम दूरी निकाल ली, अब अधिकतम दूरी निकाल लेते, इसकी कैसी होती है, तो अधिकतम दूरी के लिए देखिए आप, न्यूनतम दूरी हो गई हमारे पास 36, रूट 36 का इसका देखो वर्गमूल कितना हो गया, 6 हो गया, 36 का वर्गमूल हमारे पास कितना होता है, 6, और देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 10 का स्क्वायर 100, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए और कुछ नहीं किया इसके अंदर, फॉर्मूले से हमने क्या कर दिया, इसको वैल्यू ऑफ वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब देखिए अधिकतम दूरी कौन सी निकालनी हमको, अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी देखो कैसे निकालेंगे, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये कितना था, 6, और ये भी कितना था, 6, अधिकतम दूरी ए बी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट डी स्क्वायर माइनस आर माइनस आर का स्क्वायर, देखो इस बार अंतर है हमारे पास, ठीक है, देखिए इसमें ए बी बराबर कितना हो गया, देखो डी, डी कितना हमारे पास, 10 का स्क्वायर माइनस आर माइनस आर, आर कितना है, 5, माइनस 3 का स्क्वायर, देखो 10 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 5, 3 का स्क्वायर, ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ए बी आ जाएगा हमारे पास रूट 10 का स्क्वायर 100 हो गया, अब देखो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, देखो ए बी कितना आ जाएगा, रूट 100 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 बराबर रूट 100 में से 4 गया 96, कितना आ गया 96, देखो 96 तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो कैसे करें इसको, हो सकता है इसको ब्रेक करके देखें, इसने क्या दे रखा है, सही बटा में दे रखा है, सही रूट में दे रखा है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करें, रूट 96 आ गया हमारे पास, इसको अब कैसे सॉल्व करें, तो देखिए आप एक बार, रूट 96 है ना हमारे पास, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये देख लीजिए 96 हमारे पास, जब हमारे पास क्या हो, सम संख्या हो, जब हमारे पास क्या हो, सम संख्या हो, तो सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, किसका, 2 का और सम संख्या, 2 का भाग दिया, 9 में दिया, कितना बार आया, 4 बार, कितनी बार बच गया, 1 बच गया हमारे पास, 1 बचती हमारे पास कितना हो गया, 16, 16 में कितनी बार जाएगा, 8 बार, फिर 2 का दिया हमने, सम संख्या आ गई, ये कितनी बार आ गए, 2 बार, 8 से कितना आ गया, 4 बार, फिर हमने 2 का दिया, कितनी बार आ गए, 1 बार, और यहाँ से कितनी बार आ गया, 2 बार, फिर हमने 2 का भाग दिया,
फॉरन कितनी बार आ गया, सिक्स टाइम। ओके फिर हमने दो का भाग दिया, कितना आ गया देखो, दो बार आ गया, और यहाँ से कितना आ गया तीन, और यहाँ से देखो वापस कितनी बार जाएगा, किसका भाग जाएगा तीन का। ओके जब तक हमारे पास वन ना आ जाए तब तक हम इसको करते जाते हैं। अब देखो हमारे पास क्या बन गया, ये टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री। अब देखो इसमें जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, समान संख्याओं के क्या बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं, पैर बना लेते हैं। मतलब ये हो गया दो गुना दो का एक, ये भी दो गुना दो का हो गया एक। अब देखो इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा, इसको क्या कर देंगे हम रूट में रख देंगे, एच डी इसको क्या कर देंगे रूट में रख देंगे। तो देखो कितना आ गया, इसका दो, यहाँ से भी दो ले लिया, और यहाँ से इसको क्या कर देंगे हम रूट में रख देंगे, कितना दो गुना तीन कितना आ गया छः। तो कितना आ गया दो दूनी चार रूट छः, ये कितना आ जाएगा हमारे पास चार रूट छः। इसे वर्गमूल निकालोगे आप, इसको कोई भी संख्या वर्गमूल कैसे निकालते, अभाज्य गुणनखंड विधि, ये हमारे पास कौन सी होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, इसे हम क्या करते हैं इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है देखिए तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, चार रूट छः और छः वाला, कौन सा ऑप्शन क्लिक हो गया यहाँ से, सेकेंड ऑप्शन। ओके कर लोगे इजीली इसको, चार रूट छः गुणा ये हो गया हमारे पास छः, तो इसकी न्यूनतम दूरी कितनी हो गई छः, और अधिकतम कितनी हो गई चार रूट छः। ये पूछा इसने न्यूनतम अधिकतम दूरी, ये पूछा ना। ओके ठीक है जी। ओके अब देखिए इसको नेक्स्ट, ये हमारे पास थे वो इसने अधिकतम दूरी पूछी, ये नहीं पूछा क्रमशः कौन सी होगी, इसने पहले न्यूनतम का नाम दे दिया लेकिन ऑप्शन कौन सा दिया, न्यूनतम का बाद में दिया। और देखो अधिकतम पूछा इसने, अधिकतम का ऑप्शन तो देखो इसने पहले दे दिया, और यहाँ पर इसने किसने कब पूछा है बाद में पूछा है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन को भी ध्यान रखना, तो मैच करते हुए चलना हमारे पास है ना। ठीक है अब देखिए आप नेक्स्ट, ये देखिए हमारे पास कैसे करते हैं इसको, देखिए दो क्वेश्चन हमारे पास, इसके आप अच्छे से कीजिए, इस पर सिखाओगे हमारे पास स्पर्शरेखा बनता है, हमारे पास स्पर्शरेखा कितनी खींची जा सकती है, कोई भी हमारे पास जैसे सर्किल आ गया दो आपस में क्या अगर टच कर रहे हो तो उनके ऊपर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे पास कई बार पूछ लेते हैं, स्पर्शरेखा में लंबाई कितनी है, बहुत रेयर केस केस में पूछते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या करते हैं इनको पूछ लेते हैं, तो हमको सबका चीज़ का क्या होना चाहिए नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए इसको तो कनेक्ट ट्राई कीजिए आप, दो वर्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, उनकी त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा उनकी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमको फाइंड आउट करना है। दोनों क्या करें एक बार एक दूसरे को स्पर्श करें तो उनकी त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, उनकी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इस बार इसने डी नहीं दिया, तो जब हमारे पास डी नहीं दे रखा हो, दूरी नहीं दे रखी हो, तो हम कैसे निकाल दें। अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है तो रूट कैपिटल आर गुणा स्मॉल आर, ये होता है कैपिटल आर गुणा स्मॉल आर। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर कितना है हमारे पास, बड़े वाला आर कितना है 9 सेंटीमीटर और स्मॉल कितना है 4, कितना हो गया 9 चौक 36। ओके ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 किसका रूट होता है 6 का। ए बी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 6, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड। ओके कर लोगे इसको इजीली, देखो जब दो वर्त एक दूसरे को क्या करो स्पर्श करे हो तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, उनके स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु से दूरी, जैसे हमारे पास ये दो ये हो गए हमारे पास, दोनों क्या करें एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ये दूरी हमारे पास कितनी हो गई स्मॉल आर हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई कैपिटल आर हो गई, हमारे पास देर का, तो हमारे पास ये जो दूरी थी ये भी रेखा की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये हमको क्या करनी थी निकालनी थी। तो देखो कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला था और ये हमारे पास त्रिज्या इसने क्या कर रखी थी दे रखी थी, हमने इसको क्या कर लिया इसको इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, 9 चौक 36, 36 किसका होता है वर्गमूल 6 का होता है। ओके कर लोगे इसको इजीली। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर बनते हैं उनको देखते हैं। ये हो गया जब हमारे पास क्या करें दोनों अंदर के अंदर हमारे पास क्या करें दो हमारे पास स्पर्श रेखाएं क्रॉस करें तो उनको देखें कैसे करते हैं, ये हो गया आपको नोटिस। देखिए जब जब
दो रेखाएं, जब दो रेखाएं वृत्त के अंदर कहां कर रही है, क्यों आर सर्किल के अंदर, वृत्त के अंदर एक दूसरे को क्या करें, क्रॉस करें, एक दूसरे को स्पर्श प्रतिच्छेद करें, क्या करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, मतलब काटती हो प्रतिच्छेद करें, तो एक सर्किल हो गया हमारे पास, ठीक है। जिससे हमारे पास एक रेखा यहां से थी, सेंटर से नहीं गुजारी मैंने, सिर्फ रेखा ही हमारे पास, कोई जीवा है, रेखा बोल दो या जीवा बोल दो, ये हमारे पास कहां क्रॉस कर रही है, कोई वो बिंदु पे क्रॉस कर रही है। जिससे हमारे पास ये ले लिया मैंने पॉइंट ए, और ये ले लिया बी, तो मैं पी ले लेता हूँ ना, बी पॉइंट पे क्या करे, क्रॉस करेगी, ये हमारे पास हो गया सी, ये क्या हो गया डी, तो हमारे पास क्या कर रही हो, अंदर ही अंदर क्रॉस कर रही हो ना, देखो इस सर्किल के बाहर नहीं आई है, सर्किल के अंदर ही क्या कर रही है, क्रॉस करी, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, जब दो जीवाएं आपस में क्या कर रही हो, क्रॉस कर रही हो, किसको प्रतिच्छेद कर रही हो, किस बिंदु पे, पी बिंदु पे, तो हमारे पास कैसे होता है, देखो पहले हम यहां से क्या चले, ए से पी तक चलेंगे, ए से पी, फिर देखो पी से कहां जाएगी, बी आ जाएंगे, बराबर किसके कर देंगे, इसी साइड से देखो, सी से कहां चलेगी, पी तक, सी पी इंटू, यहां से वापस कहां तक आ जाएंगे, पी से डी तक, डी पी है ना, देखो एपी गुणा पीपी बराबर कितना हो जाएगा, सीपी गुणा सीपी हो जाएगा, ओके, एपी गुणा बीपी इंटू सीपी इंटू कितना हो जाएगा, डीपी, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, बराबर हो जाएंगे। इसको आपको याद रखना है, इसका कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपको, देखो ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, और आपको क्या पूछ लेगा, ये वाली पूछ लेगा, ठीक है। तीनों में से चार दे रखे हमारे पास, इनमें से तीन दे देगा और एक क्या करेगा, पूछ लेगा, इनके क्वेश्चन भी करेंगे हम आगे, हम जैसे हमारे पास कल जो हम सेक्शन रखेंगे उसमें सिर्फ और क्वेश्चन का रखेंगे, सर्किल के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। ओके देखिए आप इसमें इस टाइप से हो जाएगा हमारे पास। अब देखो ये स्पर्श रेखा हमारे पास क्या कर जाएंगे, तो प्रतिच्छेद रेखाएं जीवाएं बाहर निकल जाए तो कैसे होते हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो जब इस टाइप से सर्किल है हमारे पास, और किसमें देखो आपको डायग्राम दिया हुआ आएगा, जैसे हमारे पास ये रेखा इस साइड से चली गई, और ये क्या कर दिया, इसको इस साइड से चली गई, हमारे पास कहां गए, क्रॉसिंग कहां की इसने, इस बार पी बिंदु पे किया, देखो इसको मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया हमने सी, और इसको मान लिया डी, तब हमारे पास क्या होता है ये चीज देखिए, और इसका सेंटर मान लिया हमने ओ, ओके ओ इसका क्या हो गया सेंटर, इस टाइप का हमारे पास सर्किल होता है, हमारे पास क्या होता है ये चीज को देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, ध्यान से देखना इसको, यही याद हो जाएगा, ए से स्टार्टिंग करेंगे, कहां से, ए से, ए से कहां चलेंगे हम, पूरे चले गए, ए से कहां तक चले गए, पी तक चले गए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़े तो हमारे पास दूरी कौन सी रही, यहां तक आ गए हम, देखो ए से कहां तक चले गए, पी तक चले गए, फिर हमने देखा तो बार वाली ले लेते हैं, पहले स्टार्टिंग से क्या ले लिया, पूरा ले लिया, अब फिर क्या करेंगे, बार वाला लेंगे, कौन सा, बीपी, कितना आ गया बीपी, इसी टाइप से इसमें कर दो, सी से कहां तक ले लो, पी तक, सीपी इंटू यहां से चलो डी से पी, डीपी, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ओके। इसको आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद देखो, पहले स्टार्टिंग से कहां तक पूरा कंप्लीट ले लो, फिर बार वाला ले लो, इसमें देखो पूरा ले लो एक बार, फिर दोबारा क्या करोगे आप, बार वाला ले लो, ठीक है। ये हमारे पास बिंदु है जहां से हमारे पास क्या करके ये रेखाएं हमने खींच रखी है, इनकी दूरी ज्ञात करनी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप, एपी गुणा बीपी बराबर सीपी इंटू डीपी, बिल्कुल सही, देखिए इसको, ओके ये हो गया। अब देखिए ये तुम्हारे पास दोनों क्रॉस कर दी, यदि ये रेखा हमारे पास थोड़ी सी नीचे से आ जाए, इसको सिर्फ टच करती हुई जाए, तब हमारे पास क्या होता है उसको देख लेते हैं, इसको आप नोटिस कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए जैसे हमारे पास ये सर्किल हो गया, ओके अब यहां से क्या हो गया ये, और यहां से देखो इस बार इसको यहां से क्रॉस नहीं कर रहे, यहां से क्या करें हम, टी बिंदु पे क्या करें, क्रॉस क्रॉस करें एक दूसरे को ना, यहां टी बिंदु, और हमने इसको क्या मान लिया, पी मान लिया, ओके ये हमारे पास ए हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया, और इसका क्या हो गया सेंटर, तो हमारे पास क्या होगा, देखो ऊपर वाला तो सेम सिस्टम है, ऊपर वाला एकदम सेम है ना, इसको हम क्या कर देंगे, सेम ही कर देंगे, इसको हम पी ले लेते हैं, पी, और इसको ले लेते पी, पी ये ऊपर वाला क्या था, ए पी,
गुणा कितना आ जाएगा पूरा, और फिर क्या आ जाएगा बार वाला बीपी बराबर किसके आएगा। देखो उस टाइम तो हमारे पास क्या थे, दो थे, सीपी थे और डीपी थे, लेकिन इस बार क्या हमारे पास एक ही है। इसको लिख देंगे हम पीटी तो लिख देंगे, लेकिन क्या करेंगे इस साइड कितनी दो है तो इसको क्यों अकेला छोड़े, तो इसको भी क्या कर देंगे हम दुगुना कर देंगे। कैसे कर देंगे, इसका स्क्वायर कर दो। ओके, एपी गुणा बीपी बराबर क्या हो जाएगा पीटी का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा एपी गुणा बीपी बराबर क्या हो जाएगा पीटी का स्क्वायर, तो अच्छे से याद रखोगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। ओके, देखिए आप इसको नोट कर लिया आपने, अब क्वेश्चन क्वेश्चन हमारे पास क्या, देखो यदि डायरेक्ट लिखते हैं, दी गई आकृति में पीटी का मान होगा, पीटी का मान होगा। ओके, ये सर्किल हमारे पास, ये हमारे पास सर्किल दिया हुआ है। ओके, ये हमारे पास एक रेखा आ गई इस साइड से और एक हमारे पास इस साइड से रेखा आ गई, हमारे पास पी हो गए और ये हमारे पास क्या हो गया टी आ गया, और ये हमारे पास कितना दे रखा है ए बी ये दे रखा है। यदि ए बी बराबर कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो और बी पी बराबर कितना हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो, तो इसको हमें क्या करना है ज्ञात करना है। इसने दे क्या रखा है, ए बी दे रखा है और हमारे को क्या दे रखा है बीपी दे रखा है, पूछा क्या इसने पीटी का मान पूछा है। ये बात तो सही है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था इसका, इसका फॉर्मूला था हमारे पास एपी गुणा बीपी, मतलब कंप्लीट बार वाला और फिर यहाँ से स्टार्ट करके एपी गुणा बीपी बराबर कितना हो गया पीटी का स्क्वायर। ये बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एपी चाहिए हमको। दे तो हमारे को क्या रखा है, एपी दे रखा है और बीपी दे रखा है, तो हमारे पास एपी भी नहीं है हमारे पास। तो देखिए एक चीज, एपी कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और इसमें बीपी कितना दे रखा है, बीपी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमारे पास देखो ये पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से लगा तक और यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 + 5 कितना हो गया, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 4 + 5 9। तो देखिए कितना आ गया, ये एपी कितना आ गया हमारे पास 9 गुणा बीपी, बीपी कितना आ जाएगा हमारे पास 5, बीपी कितना आ गया 5 बराबर कितना आ गया पीटी का स्क्वायर। बीपी कितना आता हमारे पास 5 9 5 45 बराबर कितना आ गया पीटी का स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर कितना आएगा हमारे पास, पीटी निकालना हमको, ये तो स्क्वायर आया हमारे पास, पीटी का स्क्वायर बराबर कितना, जैसे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास कितना लग जाएगा 45 के रूट लग जाएगा। ओके, इसके रूट लग जाएगा 45। ओके, लेकिन हमारे पास ये तो रूट में आ गया, इसको कैसे ओपन कर सकते हैं हम, देखिए इसको मैं ऐसे कर सकते हैं ना, इसका वर्गमूल निकालने के लिए ये आ गए 45। इस बार देखो क्या है, विषम संख्या आ गई, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हमारे पास, एक आध हमारे पास कोई रोल नहीं होता, फिर किसे ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे, तो देखते हैं जाता कि नहीं जाता। 3 × 3 कितना बन गया 15 बन गया, कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, देखो एक बार चला गया कितना बन गया 15 बन गया, कितनी टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स चला जाएगा, 15 × 3 = 45 होता है ना। अब देखो फिर वो वापस 3 से जा रहा है, कितनी बार चला जाएगा 5 × 3 = 15, फिर कितनी बार जाएगा, अब 3 से जाएगा नहीं किससे जाएगा 5 से जाएगा, कितने आ गया एक आ गया, तो देखो ये कितना हो गया 45 बराबर कितना आ गया 3 × 3 × 5। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे, जोड़े लेते हैं हम, यहाँ से तो एक जोड़ा आ गया, कितना आ गया 3, ये क्या सिंगल है तो इसको क्या कर देंगे रूट में, तो 3√5 कितना आ गया इसमें हमारे पास 3√5, कितना आ जाएगा पीटी 3√5। ओके, ऐसे कर लोगे इसको आप इजीली। ओके, देखिए इसको आप आगे ना हमारे पास, देखो पीटी बराबर कितना आ जाएगा 3√5। इस टाइप से आपके एक और दो क्वेश्चन और बनते हैं, उनको देख लेते हैं साथ साथ, कुछ इंपॉर्टेंस थोड़ा में जो आपको याद रखनी है अभी देखिए।
पीटी आ गया हमारे पास अब इसका। अब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरम आती है, उसको देखते हैं। आपने नाम सुना होगा एकांतर वृत्तखंड, एकांतर वृत्तखंड नाम सुना है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय। देखो ये क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। एकांतर, इसकी बात करूं मैं, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इसको बोलते हैं। देखो ये क्या होता है, देखो हमारे पास ऐसे एक त्रिभुज बन रहा हो सर्किल, इसके अंदर क्या बना दिया हमने, एक त्रिभुज बना दिया, क्या बना दिया, त्रिभुज। एक सर्किल के अंदर क्या बना दिया हमने, त्रिभुज बना दिया। देखिए एक मिनट, ये क्या आ गया, ये त्रिभुज आ गया। अब हमारे पास यहां से कोई स्पर्श रेखा है, ढंग से बना, एक मिनट, स्पर्श रेखा आ गई है, ओके। अब देखिए इसको, इसका सेंटर हमारे पास हो गया यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये आ गया ए बी और ये आ गया सी, ये हमारे पास रेखा कौन सी आ गई, पी, स्पर्श रेखा हमारे पास ये पी क्यू, पी क्यू हमारे पास क्या, स्पर्श रेखा है। तो देखो हमारे पास यदि हमारे पास ये कोण बन रहा हो कितना, अल्फा, ये कोण बन रहा हो बीटा, क्या मान लिया मैंने, अल्फा और बीटा क्या मान लिया, कोण मान लिए। ये क्या होते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर वृत्तखंड कोण। जब इसमें क्या होता है, जिससे हमारे पास ये क्या कोण बन रहा हो, ये अल्फा कोण बन रहा है, ये वाला अल्फा कोण बन रहा है, तो ये हमारे पास अल्फा है, तो इसके जो सामने जो होता है ना, ये भी कितना आएगा, अल्फा कोण आएगा। कल में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था ना, उसको अल्टरनेट थ्योरम से सोल्व होता था, उसको आज हम वापस डिस्कस कर लेंगे। ये हमारे पास अल्फा, तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा, और ये बीटा है, तो ये भी कितना होगा, बीटा होगा, क्या होगा, ये हमारे पास बीटा होगा, ओके। ये अल्फा तो ये भी अल्फा, और ये बीटा तो ये भी कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कीजिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, इनको देखते हैं, ओके। देखिए इसको आप अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं इसको। एक और आता हमारे पास इसी में, ये हमारे पास त्रिभुज है, हमारे पास सर्किल है, इसमें एक हमारे पास क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है, इस पर हमने कहां से गुजारा है, सेंटर से गुजारा है इसको, और हमारे पास ये बन गया, देखो ये हो गया, और हमारे पास ये क्या है, स्पर्श रेखा हो गई एक इस पर। तो देखिए क्या होता है, यदि हमारे पास यहाँ क्या बन रहा हो, अल्फा बन रहा हो, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, अल्फा होगा। ये जो वाला कौन है ना हमारे पास, ये जो कौन बन रहा है हमारे पास, ये भी क्या बनेगा हमारे पास, अल्फा कौन बनेगा। यदि हमारे पास ये अल्फा है, तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। ये हमारे पास थ्योरम होती है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ओके। तो आप अच्छे से देख लीजिए, यदि हमारे पास अल्फा है, तो ये भी क्या होगा, अल्फा। देखो यहां से हमारे पास ये क्या होगा, अल्टरनेट बना, इसके देखो साइड में बनता है, इसी को बोलते हैं अल्टरनेट। नोट कीजिए इसको आप अच्छे से। अब इसके ऊपर हम तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए, दी गई आकृति में अल्फा का मान होगा, ओके। ये हमारे पास तिरक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास अल्फा का मान ज्ञात करना है हमको, है ना, ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारी तिरक 30 डिग्री, इधर का हमारे को 60 डिग्री, ओके। हमारे को अल्फा का मान ज्ञात करना है। अब इसको कैसे करोगे, देखिए आप इसे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से कैसे करते हैं इसको। वैसे देखा जाए तो हमारे पास डायरेक्ट हो जाता है, ये कैसे हो जाता है, डायरेक्ट
एक काम करता हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। ये देखिए आप, मैंने ये एंगल ना देखे इसको दे दिया, ये 30 डिग्री दे रखा मैंने, और ये दे दिया मैंने कितना 70 डिग्री दे दिया। अब हमको अल्फा का मान ज्ञात करना है। हमारे कुछ चीज़ें पता, कुछ चीज़ें पता नहीं है, तो उनको रिवाइज करते हैं। सब कुछ पढ़ लिया हमने, कुछ चीज़ें रिवाइज करनी है। हमारे ये चीज़ तो पता है, ये वाला एंगल तो इसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे पास देखो एक रेखा भी बन रहा, कौन ये एक सरल रेखा पे बनने वाला कौन कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हमारे पास सरल रेखा वाला कौन तो निकाल लेंगे, इनका और इनका और इस वाला कौन का है। लेकिन पहले हमारे पास ये कौन तो आना चाहिए ना, ये कौन भी हमारे पास नहीं है, तो हम इसको कहाँ से लेके आएंगे। देखिए तो देखो इसको कहाँ से लेके आएंगे, ये देखो हमारे पास अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होगी, ये हमारे पास कौन सी होगी स्पर्श रेखा होगी। जब हमारे पास ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। हमको ज्ञात तो ये नहीं करना था, ज्ञात हमारे पास अल्फा का मान ज्ञात करना था। तो देखो ये तीनों कोणों का योग कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो देखो 70 प्लस अल्फा, 70 प्लस अल्फा प्लस 30 डिग्री बराबर कितना हो गया हमारे पास 180 डिग्री। देखो हमारे पास सरल रेखा कोण हो गया, ऋजु कोण जिसको बोलते हैं, सरल कोण। ओके, ये कितना आ गया 70 प्लस 30 डिग्री प्लस अल्फा बराबर कितना आ गया 70 प्लस 30 कितना हो गया 100 प्लस अल्फा बराबर कितना आ गया 180। अल्फा बराबर कितना आ गया 180 माइनस 100 कितना आ गया हमारे पास ये 80 डिग्री। ओके, कितना आ गया ये 80 डिग्री। अल्फा का मान कितना आ गया यहाँ से 80 डिग्री। हाँ, जिसका भी 80 आंसर होगा उसका सही होगा, ठीक है। अल्फा का मान कितना आ गया हमारे पास 80 डिग्री हो गया आपके, ये कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल। देखिए इसको अब एक नोट लगा के लिखिए एक चीज नोट। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या द्वारा स्पर्श बिंदु कहाँ बना रहा, देखो स्पर्श बिंदु पर बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है, ध्यान से रखना इसको, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। ओके, ये देख लीजिए कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। जैसे हमारे पास देखिए, हमारे पास स्पर्श रेखा थी कोई, और यहाँ से हमारे पास क्या है त्रिज्या, ये जो कोण बनेगा ना हमारे पास, ये कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। हमारे पास रेडियस हो गया यार, ये इसका क्या हो गया सेंटर हो गया, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री। इस वाली बात कर रहा हूँ मैं ना, ये 90 डिग्री और ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ये हमारे पास रेडियस हो गया। ओके, देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ध्यान रखिएगा इसको बहुत अच्छे से। ओके, देखिएगा बाबू, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या द्वारा स्पर्श बिंदु पर बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। पहले नोट इसको, इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे अभी हम। इससे पहले कुछ थ्योरी हमारे पास, उनको बची हुई को इसको हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। जैसे जल्दी से आप नोट कीजिएगा, ये एक सर्किल है, ठीक है, इसे स्पर्श रेखा ये हो गई, इसको लिखेंगे स्पेशल पॉइंट सेस बिंदु, स्पेशल पॉइंट
ओके, जैसे हमारे पास ये हो गया। अब देखो ये हमारे पास सेंटर है इसका, ये हमारे पास यहाँ से इसको मैच कर रहा है, यहाँ से इसको क्या कर रहा है, रेडियस हो गया आर हमारे पास। ये तो हमारे पास पता है कि त्रिज्या द्वारा इस पर रेखा और बनाया गया कोण कितनी डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ये हमारे पास 90 डिग्री के हो गए। हमारे फूसा कौन सा, देखो यदि ये कौन कितना है थीटा डिग्री है, ये कौन कितना होगा थीटा डिग्री, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस थीटा। ओके ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये हमारे पास कितनी डिग्री हो जाएगी 90 माइनस, ये 90 डिग्री का हो गया, यहाँ से देखो पूरा मैच करेगा यहाँ से 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ओके इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू आर लिख सकते हैं, आर तो हो जाएगा हमारे पास दिया रेडियस, पी क्यू एस लिख देते हैं इसको एस। ओके ये हो जाएगा हमारे पास, आ जाएगा कौन पी क्यू और पी एस, और इनके मध्य बनने वाला कौन कितना हो गया हमारे पास सेंटर से, और ये हमारे पास क्या त्रिज्या है। एक चीज और आप याद रख लीजिए इसके अंदर, देखिए इसको आप अच्छे से नोट, बहुत बार पूछा जाता है ये, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। अब देखिए यदि हमारे पास इस टाइप से सर्किल हो, ओके इस टाइप सर्किल हो, ये हमारे पास क्या हो गया रेडियस, ये हमारे पास स्पर्शरेखाएं होगी। ओके तो देखिए ये हमारे पास क्या हो, इसकी रेडियस हो, ये हमारे पास पता है 90 डिग्री कोण बन जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पता है कि ये भी कोण कितने डिग्री 90, वही हमारे पास पता है 180 माइनस थीटा हो जाएगा, कौन से वाला, ये वाला थीटा है, तो पी क्यू वैसे हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया रेडियस हो गई, और ये भी क्या हो गया रेडियस। अब हमारे पूछा कौन सा है, ये चीज देखते हैं। अब जब हमारे को यहाँ से कौन सा कौन पूछे, यहाँ से देखो ये वाला कौन पूछ ले हमारे को, ये वाला हमारे पास कौन क्या करे, कौन पूछ ले कौन सा वाला, ये वाला, तो देखो हमारे पास क्या होगा, यदि इस साइड बन रहा है तो हमारे पास क्या होगा प्लस का हो जाएगा, कितना 90 प्लस थीटा बाई टू, कितना हो जाएगा ये 90 प्लस थीटा बाई टू। इस साइड वाला पूछ ले, इस साइड का कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई टू। ये बहुत हायर केस में क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको हमको याद रखना है ताकि हमारे पास कई बार क्वेश्चन आ जाए ऐसा, तो हमको इसको कैसे हैंडल करें। ये आ गया हमारे पास कितना 180 माइनस थीटा, वो थीटा आ गया, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा बाई टू, और ये कितना आ गया 90 प्लस थीटा बाई टू, 90 प्लस 90 माइनस थीटा बाई टू, और ये कितना आ गया 90 प्लस थीटा बाई टू। ओके इसको आपको याद रखना है, हो गया ये डन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप सही है, बिल्कुल हो जाएगा ये आपके इजीली। देखो हमारे पास ये चतुर्भुज बन गए, दोनों का योग कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, इस टाइप से भी देख सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हमारे पास, इनको याद रखना है हमको, ये भी हमारे पास पॉइंट याद रखना है हमको। देखो अब जैसे हमारे पास ये कोई सर्किल हो, इन दिन हम क्या बनाते थे सर्किल को, किसके अंदर बना रहे थे, सर्किल के अंदर हमारे पास चतुर्भुज बना रहे थे, लेकिन अब की बार चतुर्भुज हमारे पास क्या आ जाए बाहर आ जाए। तो देखो भुजाओं के बारे में, ये हमारे पास एक सर्किल है, इसके चारों ओर हमारे पास क्या बनाओ चतुर्भुज बनाओ, इसी आ गया, ये आ गया। ओके ये चतुर्भुज बनाओ, इसकी दूरी हमारे को क्या दे रखी है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये डी हो गया। ये हमारे पास क्या हो एक्स हो, ये वाई हो, ये जेड हो, और ये क्या हो पी हो। तो हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है, तो हमारे पास आमने सामने वाली भुजा होती है, आमने सामने भुजा कौन सी होगी एक्स प्लस जेड, इनका योग किसके बराबर होता है विपरीत साइड वाली भुजा होंगे, इस साइड वाली भुजा है वाई प्लस पी। ये चीज़ का आप याद रखिए, कई बार इसका क्वेश्चन पूछ लेता हमारे, एक्स प्लस जेड बराबर कितना हो गया वाई प्लस पी, याद रखिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं जस्ट हम, तो हमारे पास ये सेंटर हो जाएगा वो। ओके देखिए इसको,
क्वेश्चन करवा देते हैं आपको ताकि रिवाइज हो जाए, डन। क्वेश्चन निम्न में अक्ष का, निम्न में अक्ष का मान होगा, ओके। अब देखिए हमारे पास तेरे का 2x-1 ए बी सी और ए डी देगा, 2x-1 हो गए, डी ये हो गया हमारे पास, x+1 है ये हो गया हमारे पास, 3x+4 ये हो गया हमारे पास, x-6 ओके। हमको इसका मान ज्ञात करना है, किसका, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x का मान कितना आएगा, हमने कहा था इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, 2x-1+ इसका योग कर दो, x+1 बराबर कितना आ जाएगा, x-6 और ये 3x, x-6+3x-4 ओके। अब इनको जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, जो भी हमारे पास सिस्टम है, 2x+ कितना हो गया, 3x हो गया, -1 और +1 कितना हो गया, 0 हो गया, हो जाएगा देखो -1 और +1 कितना हो जाएगा, -1 का और +1 कितना हो जाएगा, 0 बराबर x+3x कितना हो गया, 4x, -6 और +4 कितना हो गया, देखो -6 और +4 कितना हो जाता है, -6 और +4 कितना है, 4, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, -2, गलती से -10 मत कर देना, हम जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी, देखो जैसे हमारे पास विपरीत चिन्ह आ जाए, अपोजिट चिन्ह आ जाए, विपरीत चिन्ह आते हैं हमारे पास क्या करेंगे, घटाएंगे, हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो हमारे पास बड़े अंक का चिन्ह हो, बड़े अंक कौन सा हमारे पास 6 है, तो इसका चिन्ह कौन सा, -1, तो इसका जो बड़ा चिन्ह होगा ना, बड़े अंक का चिन्ह, वो लगाएंगे हम, 6 और -4 और +4 कितना हो गया, -2। अब देखो इस साइड से कर लेते हैं, इस साइड लेके आ जाते हैं 4x को, अक्षर को एक साइड लेके आ जाते हैं, अक्षर को एक साइड रहने देते हैं, 3x-4x बराबर कितना होगा, -2। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं, 3x-4x बराबर कितना, -2। तो देखो माइनस का x बराबर कितना आ गया, ये देख लेते ऊपर, माइनस का x बराबर कितना आ गया, 3x-4x बराबर कितना, -2, -2, तो -+ हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 2, ओके। इस टाइप से इसको हम क्या करेंगे, हैंडल कर लेंगे, ऐसी कंडीशन आ जाए तुम्हारे पास, तो हमारे पास चतुर्भुज के अंदर क्या बना दिया, हम सर्किल बना दिया, और इतने दिन क्या कर रहे थे, सर्किल के अंदर चतुर्भुज बना रहे थे, दोनों तरीके हमने देख लिए कैसे कैसे क्या होते, भुजाओं का भी देख लिया, कोणों का भी हमने देख लिया, ठीक है। इस सर्किल के अंदर हमारे पास चतुर्भुज आ जाए, तो दोनों आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसमें नेक्स्ट, अब आपको क्वेश्चन दे देता हूँ SW के लिए, आप उसको करना, SW जो हमने क्वेश्चन करवा रहे थे उसी को ज्ञात करना है आपको, कौन थीटा का मान होगा, डायरेक्ट लिखो आपने, थीटा का मान होगा, ओके। ये हमारे पास दे रखा है इसको, ये हमारे पास थीटा है, कौन सा थीटा, और हमारे को ये दे रखा है कितना, ये दे रखा 30 डिग्री, तो बी मान लेता हूँ मैं, इसको ए मान लेता हूँ और इसको सी मान लेता हूँ, और ये हमारे पास ई क्यू हो गया, इस पर स्पर्श रेखा है, ओके, और ये हमारे पास एम एन हो गई, इसको ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं आपको, 60, 30, 90 और D120, इसका आंसर कितना आएगा ये आपको बताना है, जितना हमने पढ़ा अल्टरनेट थ्योरम या फिर कुछ भी थ्योरम हो उनसे आपको क्या करना है, इसका ज्ञात करना है, और जो भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे अलग अलग टाइप्स के उनको हम कल हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कल करेंगे, तो कल का आपका सेशन बहुत अच्छा रहेगा,
जो भी हमने जितना पढ़ा सर्किल के अंदर उन सब का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और एक बड़ी अच्छी क्लास होगी। ठीक है, इसको आप कीजिएगा अच्छे से, ये आपके लिए एच डब्ल्यू हो जाएगा होमवर्क। ओके, धन्यवाद।